मॉर्निंग एवरीवन। और डे 3 का जो राइड है वो अभी स्टार्ट हो गया है। तो फ़िलहाल अभी मैं कटनी शहर में हूँ और वहाँ से बाहर आ रहा हूँ मैं। तो उसके बाद ये मुझे हाईवे पे लेके जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो स्टेट हाईवे 10 था, बस कल रात को दिखा रहा था वो। तो बट मैं शहर में आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहुँच जाऊँगा दोपहर तक। तो वहाँ पे जैसे पहुँचेंगे मज़ा आएगा। काफ़ी टाइम से वो बोलते ना, दिलो तमन्ना रहती है इंसान की कि भाई बनारस घूमना है, आज वो पूरा होने वाला है। तो दिल में बोलते बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कब पहुँचूँ मैं वहाँ पे, कब पहुँचूँ और वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करूँ। कोई नहीं, जिसे इतना इंतज़ार किया है तो आज दोपहर तक से बने रहिए ब्लॉग में, फिर मज़ा आएगा आपको। बनारस क्या है भैया, तो वो गाना है ना, खाई के बहन बनारस वाला। तो जाएंगे, देखेंगे, मज़ा आएगा। अभी यूपी में एंट्री हो गई है, तो जो बॉर्डर था कुछ 5 किलोमीटर पहले ही चले गए। और अभी फ़िलहाल ये घाट वाले रास्ते पे हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है जो रोड है, अभी उसका काम आप देख रहे हो चालू ही है। तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, चलाने में मज़ा आ रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है बिकॉज एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे घाट होते हैं। तो आपको पता ही रहेगा कि घाट के जो रास्ते वो कैसे। तो ये है एकदम शार्प कर्व। तो भैया ये जो कर्व है ना, इसको बहुत आराम से हम लोग पार करेंगे, मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल मैं ऑलमोस्ट पहुंचने पे आ गया हूँ, बट यहाँ पे अभी सब जगह पे डाइवर्जन है। मतलब 15 किलोमीटर से मैं सिर्फ खेल रहा हूँ डाइवर्जन डाइवर्जन डाइवर्जन। ये पता नहीं ऐसा क्यों है। मैं एक एक्सपीरियंस ऐसा और एक है, जब मैं हरिद्वार जा रहा था सेम, फिर हरिद्वार जाने के टाइम पे भी ऐसे ही डाइवर्जन डाइवर्जन डाइवर्जन। ठीक है, अलग एक्सपीरियंस है। अब मुझे कितना किलोमीटर दिखा रहा है अभी मैं आपको बता दूँ, ये मुझे शो कर रहा है 19 किलोमीटर दिखा रहा है। 19 किलोमीटर ऐसे डाइवर्जन रहेगा लगता है। अभी वाराणसी में एंट्री हो गई है, और कहाँ पर जाऊँ, सबसे पहले तो होटल ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आगे का देखेंगे। तो होटल का भी बात ऐसा है ना कि होटल भी ऐसी जगह पे हो कि मतलब जो गंगा घाट है वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँ फटाक से। देखते 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 भाई क्या होता है। ये तो सामने आप देख रहे हो ना, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, फुल डांसिंग कार करते हुए चला रहा था ये, और ओवरटेक करने भी नहीं दे रहा था। तो मैं बोला भैया तुम ही आगे जाओ, हम पीछे रहेंगे, चलेगा। क्या करूँ क्या ना करूँ, ये कैसे मुश्किल है। ओहो, बनारस फूड जोन, क्या बात है। ट्रैफिक में तो मतलब जान ऊपर नीचे हो जाएगी। हाँ।
आ रहा है कि आ गया। आज का जो डे 3 था वो ख़त्म हो गया है और मैं दोपहर को 3 बजे बनारस पहुंच गया था। और उसके बाद जब मैंने स्टे के लिए होटल ढूंढना स्टार्ट किया तो पहला जो होटल था वो रिवर साइड व्यू था, तो वो उसको ढूंढते ढूंढते मतलब बनारस आपने सुना है कि वो उसकी जो गलियां है बहुत फेमस है, तो अंदर 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 गया फिर बाद में मिला नहीं। फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि मेरी बाइक वो गली में स्टक हो गई थी, फिर मैं बोला यार अभी मेन रोड पे ही ढूंढता हूँ। तो फिर एक त्रिदेव होटल था, बहुत ज़्यादा हाई फाई था, तो वहाँ पे जब पूछने गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सब कुछ फुल है, तो लाइक आपको परसों मिलेगा। मैं बोला फिर कोई बात नहीं, मैं दूसरा ढूंढता हूँ। जब तीसरा ढूंढा तो फिर ये मिला जहाँ पे मैं अभी स्टे कर रहा हूँ। तो इसका कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब मुझे 1200 बोला तो मैंने बोला कि लाइक मैं 1000 रुपये दे सकता हूँ। और अभी फ़िलहाल प्लान में चेंज ये आया है कि आज जैसे मैं गया था तो सबसे पहला जो था वो जो श्री काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है बहुत ही फेमस है यहाँ पे, तो जब मैं गया तो वहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स है, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो कुछ भी नहीं लेके जा सकते, नॉट इवन योर स्मार्ट डिजिटल वॉच, वो भी अलाउ नहीं है। तो सारी चीज़ें मतलब अगर चाबी भी है ना आपकी तो आपको चाबी भी अंदर रख के जाना पड़ेगा, तो आप सोच सक रहे हो ना कि मतलब गाड़ी का चाबी भी आप लेके नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना अगर इन फ्यूचर आप जाते हो तो। और एक चीज़ ये है कि उसका जो मेन गेट से एंट्रेंस है और एक घाट के यहाँ से एंट्रेंस है, तो जो घाट के यहाँ से एंट्रेंस है उसका ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा चल के आना पड़ेगा, और आप वहाँ से आ रहे हो तो आपका जो डिवाइस है वो जब आप पूरा घूम के आओगे तो ही आपको वो डिवाइस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने तो ये किया कि मैं घाट से घूमते हुए गया था, तो वहाँ पे उन्होंने स्टेयर्स बनाया हुआ है तो आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने दर्शन ले लिया, और जो मेन जो इम्पोर्टेंट होता है जो गंगा आरती होती है, तो अप्रॉक्स जो मैंने सुना है कि जो टाइमिंग्स है तो वो 6:45 का कुछ रहता है, बट आज थोड़ा लेट हो गया तो मेरे लिए फ़ायदा ही था, तो मुझे अच्छे से देखने मिला, तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी कैप्चर किए, तो आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चेंजेस ये है कि कल भी मैं यहीं पे रहूँगा बनारस में, और जगह जो है उसको एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि भाई बनारस में क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि और एक्सप्लोर करूँ इसको, और उसके बाद मैं जो मेरा जो मेन राइड है जो इंटरनेशनल राइड है नेपाल का, उसके लिए फिर मैं परसों निकलूँगा। तब तक के लिए सोते अभी कि बहुत ज़्यादा मतलब एकदम चल चल के हालत ख़राब हो गई है। मेरा जो होटल है वहाँ से चल के गया, मैं वापस से चल के आया, और उसको ढूंढने में भी मुझे गूगल मैप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको पहले भी बोला कि बनारस की गलियाँ आपको मतलब जब तक आप 2-3 बार नहीं आते जाते ना तो आपको तो याद नहीं रहेगा, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो अच्छी बात भी है, ऐसा घूमोगे तो भूल भुलैया जैसा, तो आपको मज़ा भी आएगा। बट है भाई बनारस, मतलब नाम से ही ऐसा लगता है कि है कुछ तो है। तो कोई नहीं, अभी कल कुछ आएगा नया, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।